दोस्तों टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप कपड़े लोड करते हैं, वहां से कपड़े वॉश और ड्राई दोनों होकर आपको मिल जाते हैं। अच्छी बात है कि टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो इस कंपेयर टू फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले काफ़ी कम है और इसके अंदर आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले ज़्यादा वॉशिंग प्रोग्राम देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इसी में आपने मन बना लिया है कि आपको एक टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेस करना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप टू ब्रांड एलजी और सैमसंग के 6.5 केजी 5 स्टार टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में कंपेरिजन करके बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, वो ये है कि वॉशिंग मशीन आपने कितने भी कैपेसिटी की ली हो, जैसे कि 8 kg की वॉशिंग मशीन ली हो या फिर 7 kg की वॉशिंग मशीन ली है, तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है उससे 10% कम यानी कि 90% तक ही कपड़े उसमें लोड करें ताकि आपको एक बेहतर वॉश क्वालिटी देखने को मिले। और इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग मशीन में स्टार रेटिंग जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। तो दोस्तों अगर आप कोई वॉशिंग मशीन ले रहे हैं और उसमें स्टार रेटिंग नहीं तो वहां पर आपको सीधा जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि स्टार रेटिंग के लिए अप्लाई करने के लिए जो भी कंपनी खर्चा करती है वो सीधा बेनिफिट आपको जो है वो प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई ऐसी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं जिसमें स्टार रेटिंग नहीं है तो बिल्कुल आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग मशीन आपको वही लेना है जिसकी सर्विस सेंटर नेटवर्क अवेलेबिलिटी आपके एरिया में हो, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो बहुत बेहतर देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट हो वो 100% तो परफेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए सर्विस सेंटर के बारे में प्लीज परचेस करने से पहले ही पता कर लें। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि वॉशिंग मशीन लें तो कौन सी लें, एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें या फिर ऑटोमेटिक लें, ऑटोमेटिक लें तो कौन सी लें, टॉप लोड लें या फिर फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें, तो दोस्तों इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जो कि एक कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो है। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी। दोस्तों अब हम LG के 6.5 kg 5 स्टार टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन करेंगे सैमसंग के 6.5 kg 5 स्टार टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ में। दोस्तों LG की वॉशिंग मशीन में आपको 700 rpm की स्पिन स्पीड मिलेगी, वहीं पर आपको सैमसंग में 680 rpm की स्पिन स्पीड मिल जाएगी। दोस्तों वॉशिंग मशीन में जितनी ज़्यादा आपको स्पिन स्पीड मिलेगी यानी कि जितने ज़्यादा आपको rpm मिलेंगे उतने ही जल्दी आपके कपड़े वॉश और ड्राई दोनों होंगे। वहीं पर वॉशिंग प्रोग्राम की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन में नो वॉशिंग प्रोग्राम देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की मोटर मिलेगी जो कि नॉइस काफी कम प्रोड्यूस करती है और यहां पर आपको अच्छी खासी बिजली की बचत भी होती है। वहीं पर बात करें दोस्तों अगले फीचर की तो दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ड्रम मिलेगा जो कि काफी मजबूत है और आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों LG में इसे टर्बो ड्रम कहते हैं, वहीं पर सैमसंग में इसे डायमंड ड्रम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक जैसा नाम इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पेटेंट की दिक्कत होती है, इस कारण से हर एक कंपनी में नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी आपको एक समान ही देखने को मिलती है। वहीं पर अगले फीचर की बात करें तो दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर देखने को मिलता है, इसे सैमसंग में स्मार्ट चेक फीचर कहते हैं, वहीं पर LG में इसे स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर कहा जाता है। दोस्तों सपोज अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप LG में LG थिंक यू ऐप के थ्रू, वहीं पर सैमसंग में सैमसंग स्मार्ट वॉशर ऐप के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट कर सकते हैं और अगर कोई दिक्कत है तो वहां पर आपको एरर कोड पता चल जाएगा। वहीं अगले फीचर की बात करें तो दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको टब क्लीन का फीचर देखने को मिलेगा जिसे LG में टब क्लीन फीचर कहा जाता है और सैमसंग में इसे इको टब क्लीन फीचर कहा जाता है। दोस्तों इस फीचर को आपको रेगुलर 1 से 1.5 महीने के अंदर यूज करना
नहीं है, जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन का जो टब है वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक सुपीरियर वॉश क्वालिटी है जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको मैजिक फिल्टर देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर आपको जल्दी कपड़े वॉश करने के लिए क्विक वॉश प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। सपोज दोस्तों आपके पास कम कपड़े हैं और आपको जल्दी से वॉश करना है तो इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको ऑटो रिस्टार्ट का फीचर देखने को मिल जाता है, वहीं पर दोस्तों चाइल्ड लॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अब ये तो हो गए दोस्तों कॉमन फीचर, अब हम बात करेंगे कि दोनों ही वॉशिंग मशीन में क्या स्पेशल डिफरेंट फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं LG की वॉशिंग मशीन की। तो दोस्तों LG की वॉशिंग मशीन में दोस्तों जो आपको मोटर मिल रही है उसके ऊपर एक स्पेशल कोरिजन रेजिस्टेंट कोटिंग प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, जिससे कि मोटर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों आपको फूजी लॉजिक कंट्रोल फीचर देखने को मिलेगा जो कि आपको एक अमेजिंग वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस कराएगा। वहीं पर बात करें दोस्तों सैमसंग की वॉशिंग मशीन के स्पेशल फीचर के बारे में, तो दोस्तों सैमसंग की वॉशिंग मशीन में आपको वॉबल टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिलेगा जो कि कपड़ों को बिना हार्म करे आपको एक शानदार वॉशिंग का एक्सपीरियंस कराएगा। साथ ही आपको डिले एंड का फीचर देखने को मिल जाता है। डिले एंड का फीचर इस तरीके से काम करता है कि दोस्तों आप अपने वॉश प्रोग्राम की टाइमिंग को खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों कॉमन फीचर और स्पेशल फीचर। अब बात करते हैं वारंटी के बारे में। तो दोस्तों LG की वॉशिंग मशीन में आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वो 10 साल की मोटर पर वारंटी मिलेगी। वहीं पर इस वॉशिंग मशीन की जो फिलहाल करंट प्राइस है वो है 16,990 रुपये। वहीं पर दोस्तों सैमसंग की वॉशिंग मशीन में आपको 2 की जगह 3 साल ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी। वहीं पर 10 की जगह 12 साल की आपको मोटर पर वारंटी देखने को मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों इस वॉशिंग मशीन की जो फिलहाल करंट प्राइस है वो है 16,690 रुपये। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको लगभग 300 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों अमाउंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और प्राइस हमेशा ऑफर एंड सेल के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए बेस्ट बाय लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए बेस्ट बाय लिंक को प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स इन दोनों ही प्रीमियम टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी तक आपको नहीं बता पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने सवाल ज़रूर पूछिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।